अजीज साथियों अस्सलाम वालेकुम। कबूतरबाजी का शौक खाली पाकिस्तान में ही नहीं, बरतानिया में भी ये अरूज पा चुका है। तकरीबन 120 से ज्यादा छतें जो हैं वो पूरे यूके में आज जो है वो टूर्नामेंट हो रहा है। राजा साहब के डेरे पर आए हुए हैं और भाई हामद साहब जो है हमें ब्रीफ करेंगे कि भाई हामद साहब ये क्या शौक है और ये किस तरह का निज़ाम है, ये हमारे भाइयों को जो है वो आप बताइए। जी अस्सलाम वालेकुम। आज जनाब राजा नासिर साहब की छत असी मौजूद हाँ। तो तकरीबन चार टूर्नामेंट टू ट्रेन जिदे आल यूके इलामा इकबाल मेमोरियल कप है, फोरम साहब वाला आल यूके कप है, नसीब अपना अपना आल यूके कप है और राजा शकूर मेमोरियल आल लंदन कप है और एक राजा फारिज मेमोरियल जेड़ा के ईस्ट लंदन का कप है। एक कप उड़ रहे हैं जनाब, ये नौ नौ कबूतर उड़ाए गए हैं और इदा ये होंदा है कि जेड़ा भी कबूतर बहंदा जांदा है कोई चार घंटे लैके आएगा, कोई पांच घंटे लैके आएगा, फिर उन्होंने नौ की एवरेज काउंट होंदी है, तो जेड़ा भी ज्यादा ओवर बढ़ाता है वो विनर करार पाया जाता है, टोटल एवरेज जेड़ी होंदी है। और दूसरा भाई आपसे ये पूछना था कि जब मैं इधर आया तो बताया गया कि दो जज हजरात भी मौजूद हैं, तो ये क्या सिस्टम है? ये सिस्टम ये होता है कि सारी छतों पे ना एक दूसरी छत का दूसरी छत पे मुंसब जाएगा, बंदा जाएगा, वो फिर काउंट करते हैं कि टाइम कबूतर ठीक आया ऊपर से, कहीं नीचे से तो नहीं आया, अगर नीचे से आएगा जैसे बुलंदी से आना चाहिए कबूतर तो उसको काट दिया जाता है, उसका टाइम नहीं मिलता, तो ये जज की जिम्मेदारी होती है, मुंसब मतलब इंसाफ करना होता है उसने कि कबूतर जो सही आया सिर्फ उसका टाइम मिले, ताकि किसी की भी खिलाड़ी के साथ ना इंसाफी ना हो। तो ये जज जो है पाकिस्तानी जज नहीं है, यूके के जज है, ये यूके ब्रिटिश पासपोर्ट है। आप बताइए माशाल्लाह जी आप जज हजरात हैं दोनों हमारे, तो आप इसको किस तरह से लेंगे कि कैसा सिस्टम है? बहुत अच्छा शौक हो रहा है जी यूके में, तो सुबह हम आए मोरन स्टैंपे लगाई हैं इनको, नौ कबूतर डाए हैं, जेड़ा जेड़ा कबूतर आया वापस उसको चेक कर रहे हैं, तो टाइम नोट होता है शाम को घंटे जो है ना काउंट हो जाता है। माशाल्लाह राजा नईम साहब तुसी फाइनल करो कोई। भाई नासर की छत आए हैं तो बहुत अच्छा शौक हो रहा जनाब, सारे भाई आए हैं तो माशाल्लाह इन्हें बहुत लुक आफ्टर की है सारे की, तो थैंक यू वेरी मच करने हैं भाई नासर साहब, तो मलक साहब का स्पेशल जनाब मलक खालिद साहब का थैंक यू करने हैं कि जिन्हें आके जनाब इंटरव्यू किया, तो जनाब बहुत बहुत शुक्रिया। जनाब जिथे जिथे भी ये शौक होवे जिथे जिथे भी ये चीज़ पाई जाती है कि बहुत अच्छा है, उस लिहाज न लै कि इतने असं अपने कल्चर न ये उजागर किए हैं, तो राजा साहब जड़े ने तो माशाल्लाह अगर इस फैमिली का मैं तुम्हें इंट्रोडक्शन कराँ तो ये जनाब साढ़े कई साल तू कई दाइया तू जो मेले हो रहे हैं बीड़ी के चैंपियन इस फैमिली मौजूद हैं, बाकी कबड्डी के फैमिली ये मौजूद हैं, पत्थर उठाने वाले इन्होंने मौजूद हैं, तो कबूतरबाजी रह गया सी, तो ये भी सेरा जनाब इन्होंने राजा नूं जांदा, तो सदा खुश रहो, दुआवां याद रखना, अल्लाह हाफिज। अच्छा राज साहब ये भी तुहाडे कोल पुछना सी कि बड़ा बड़ा महंगा कबूतर है, बड़ी बड़ी ब्रीड है, हुण पाकिस्तान दी जिहड़ी है या इत्थे जे कोई फर्क है या उत्थों तुसां लियांदे आ, की सिस्टम है? ए जनाब कबूतर है पाकिस्तान नूं आंडे शंडे लियांदे न, इत्थे सारे पाकिस्तान दे कबूतर जिहड़े ओह सारे इत्थे ब्रीड बणाए दे, इत्थे साडे कोल हर तरहां दी ब्रीड है जिहड़े कि पाकिस्तान मेहनत ब्रीड है ना ओह साडे कोल इत्थे है, पाकिस्तान जिहड़ी मेहनत ब्रीड है ओह इत्थे चलदी है पाकिस्तान स्टैडी, अजकल बहुत मशहूर है, तो बड़ा बड़ा महंगा कबूतर बिकदा है पिया, सारे क्रॉस करके नकारा हो गए ब्रीडिंग फैल्कन का बहुत ज्यादा अटैक है यूके बहुत ज्यादा फैल्कन छोड़ी है, फैल्कन का काफी ज्यादा अटैक है, फैल्कन डैमेज कर देता ना तो
ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਛੀ ਬ੍ਰੀਡ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਬੂਤਰ ਹੁੰਦਾ ਅੱਛੀ ਨਸਲ ਚ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਬ੍ਰੀਡ ਚ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਫਿਰ ਬ੍ਰੀਡ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਫਰੋਂਦੇ ਨਸਲ ਜਿਹੜੀ ਉਡਾਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਪੇਟ ਪਾਲਣਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਯੂਕੇ ਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਦਾਤ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹ ਸ਼ੌਕ ਔਰ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਪਡੇਟ ਹੋਏਗੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਦੁਆਵਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।